इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में पाकिस्तानी अवाम के लिए कंप्यूटर्स का हसूल मुश्किल। बजट में दरामद पर टैक्स में कमी की बजाय सॉफ्टवेयर पर नया टैक्स आयद। क्या हुकूमत हर साल मुस्तकबिल के मेहमानों को आईटी से दूर पत्थर के दौर में धकेलती रहेगी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहला सौदा और आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो बड़े एक अहम टॉपिक के ऊपर है। और ये टॉपिक इसलिए है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन को जिस तरीके से रोंदा जा रहा है पैरों तले, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ और इस माहौल में क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान की वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक यतीम इंडस्ट्री है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी जो आईटी मिनिस्टर हैं वही आज तक उनका फैसला नहीं कर पाई है हुकूमत की किसको वफाकी वजीर बनाना है आईटी मिनिस्ट्री का। तो इससे ही सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी हुकूमत आईटी इंडस्ट्री के फ़रोग की बातें तो करती है लेकिन उसके लिए काम क्या कर रही है उसका अंदाज़ा इन तमाम चीज़ों से साफ ज़ाहिर होता है। हमने देखा है कि हर साल बजट से कबल जो है कंप्यूटर का जो यूजेज है उसको बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी जाती हैं। एसोसिएशन है, पाकिस्तान कंप्यूटर एसोसिएशन है और दीगर जो अहदेदारान है या दीगर लोग अफराद जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनका ये कहना होता है कि जो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो तालिबे इल्म करते हैं और तालिबे इल्मों के लिए इस वक्त कंप्यूटर का असूल जो है बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री पे ना तो किसी ने कभी तवज्जो दी है ना ही उनकी अब दोबारा से कोई तवज्जो फ्यूचर में देते हुए वो नज़र आ रहे हैं। कंप्यूटर प्राइसेस हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा हो रहा है। कितना इजाफ़ा हो रहा है, इस बजट में क्या नुकसानदेह चीज़ें इस सेक्टर पर आई हैं, उस पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐवानों में जो लोग बैठे हैं उनको पता चल सके कि उनके बच्चे तो क्योंकि बाहर पढ़ रहे होते हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन यहाँ जो एक मिडिल क्लास का जो बंदा है वो भी अपने बच्चों को लिए जो है एक कंप्यूटर ख़रीद के उसको नहीं दे सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस अलमिया पे जो है काम करने की ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे कि इस पर हम आवाज़ उठाएं। और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका मैं तारुफ करा दूँ आपको। खुशनूद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, खुशनूद साहब का तारुफ मैं आपको कराता चलूँ कि खुशनूद साहब को जो है CEO हैं वाइपर्स टेक्नोलॉजी के। और साथ में जो है नदीम मलिक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कि IT चेयरमैन है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। आपको खुश आमदीद करते हैं आप तमाम लोगों को। साथ ही में मैं और दो अफराद का यहाँ पर तारुफ कराता चलूँ, और हसन अख्तर साहब हैं जो कि कंप्यूटर डीलर हैं और साथ ही जो हैं मोहम्मद शोएब साहब भी हैं जो वो भी जो है कराची के जो हैं यहाँ पे डीलर्स हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर्स की जो फ़रोख्त है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफ़ा नहीं हो रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी कीमतों में जो है लगातार हम इजाफ़ा देख रहे हैं। खुशनूद साहब से मैं अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करूँगा। खुशनूद साहब, इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखें तो IT इंडस्ट्री को जिस तरह से फ़रोग पाना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस इंडस्ट्री को इस तरह से इसके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है? रोहिल, बहुत शुक्रिया यहाँ पर बुलाने का। जहाँ तक आपने बात शुरू की कि कंप्यूटर्स की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है इस वजह से ये नहीं हो रहा है, फ़रोग नहीं पा रही है ये इंडस्ट्री, मेरा ख्याल है हमें इससे थोड़ा सा हट के बात करनी चाहिए। हम अगर ये बोलें कि हर चीज़ में कीमतों में तो हर चीज़ के इजाफा हो रहा है, हमें इस ट्रेंड को चेंज करना है कि अगर एक आदमी 42 इंच की LCD घर पे लाता है तो उसके लिए तो उसके पास पैसे हैं मगर एक कंप्यूटर लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे घरों के अंदर एजुकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं है, हमारे घरों में प्रायोरिटी नहीं है कंप्यूटर्स। इसके लिए हमें, मैं तो आप लोगों को भी बोलूँगा, मीडिया को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि कंप्यूटर ज़रूरी है। आज हमारे मुल्क के हालात हैं, हर आदमी बोलता है कि ये हालात की वजह 100 वजहें बताते हैं, मेरा ख्याल है इसकी वजह सिर्फ एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे पास तालीम नहीं है, तालीम देंगे तो कोई क्यों गलत करेगा, कल को उसको रोज़गार मिलेगा। जहाँ तक आपने गवर्नमेंट की बात की, जहाँ तक आपने बजट की बात की, टैक्सेस की बात की, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लेने हैं और हमें टैक्सेस पे करने हैं वरना गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मुल्क नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोकल्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करें ताकि स्किल्ड लेबर, पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिले, वो इधर उधर नहीं जाएं। एक आदमी ने इंजीनियरिंग की हुई है और वो कहता है मैं टैक्सी चलाऊंगा, ये वो टैक्सी चलाता और भी कोई काम करेगा, उसको कोई अच्छा रोज़गार मिलेगा, वो IT में आएगा और आगे जाएगा, अपने मुल्क का नाम भी करेगा, अपने घर पर भी पैसे लेके जाएगा।
हमें इसकी तरफ आना है, हमें ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है। ये ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है और ट्रेंड चेंज करने के लिए आपकी कॉल्स की भी हमें ज़रूरत होती है। आप हमें कॉल करें और अपनी जो भी राय है उससे आगाह ज़रूर करें और इस प्रोग्राम को जो आज हम कर रहे हैं इस पर अपने सवाल ज़रूर करें। आप बहुत सारे लोग हैं इनसे आप सवाल कर सकते हैं। नदीम मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। यहाँ आपने खुशनूर साहब की बात सुनी, हम मानते हैं कि जो एक 42 इंच का जो टीवी ले रहा है उसके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी कोई भी जाके, चाहे ब्रांडेड हो, अनब्रांडेड हो, नया हो या पुराना हो, किसी किस्म का भी वो कंप्यूटर जो है आके ख़रीद सकता है। लेकिन अगर हम एक आम यहाँ तालिब इल्म की बात करें तो वो उसकी कुव्वत ख़रीद नहीं है और लगता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो बेचारा जो है यूज़ कंप्यूटर भी लेने वाला है वो यूज़ कंप्यूटर भी नहीं ले पाएगा। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि हुकूमत को किस किस्म के इकदाम करने की ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच जी कि आप लोगों ने हमें विज़िट किया और इस इशू को, जो बहुत पुराना इशू है और जिसके ऊपर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, और आपने इसको हाईलाइट किया। लेकिन बात यह है कि हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप नोट करें तो गवर्नमेंट लेवल पे किसी ना किसी प्रोग्राम्स को या किसी ना किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया जाता है। ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसको कभी आज तक सपोर्ट नहीं किया गया, हाईलाइट नहीं किया गया। देखें, कंप्यूटर ही की वजह से आज हम वर्ल्ड को कहते हैं कि जी ग्लोबल विलेज बन गया है। क्यों बन गया है? कि इसी के थ्रू हम एक्सेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसी के थ्रू जो है हम हर जगह एक्सेस होकर अपने काम, अपनी चीज़ें और सारी चीज़ों को बर्बक कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोकल लेवल पे ख़ुद इनिशिएटिव लेते हुए अपने लेवल पे लोगों को एजुकेट करते हैं और उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाते। हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जी आप हमारे साथ आएँ, सेमिनार्स करें, इसको हाईलाइट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, भी नहीं होता नजर पर ऐसा नज़र नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉलर्स को हम शामिल कर लेते हैं। नफीसा दादा जो हमारी गेस्ट भी होती हैं और साथ हमारी रेगुलर कॉलर भी हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीसा साहिबा। वालेकुम सलाम जी। नफीसा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? आज का प्रोग्राम जो है हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तालिबे इल्म के पास जो है एक कंप्यूटर ज़रूर हो, तो ऐसा क्या मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, जो बात कर बात की है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगी आप हुकूमत से? स्टेज बनाए हुए हैं एजुकेशन पे, बिल्कुल अगर ये खत्म करें, शादियों पे खर्चे खत्म करें और कंप्यूटर दें इनके बच्चों को। एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और ये बड़ी अच्छी चीजों को एक तरफ रख के एजुकेशन की चीजों पे ज्यादा चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा, आपने हमें कॉल की। अच्छा, एक नफीसा साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। शोएब साहब, आप क्या कहते हैं कि हमारे मुल्क में असल में एक रिवाज भी नहीं है कि एजुकेशन में कभी भी इन्वेस्ट किया जाए? अस्सलाम वालेकुम। असल वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है कि एजुकेशन में किस तरह किया जाए, एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल की मैं बात करता हूँ जहाँ पर एक कंप्यूटर लैब है, जिनके ये वो फीस की मद में हर महीने 300-400 फी बच्चे से ले रहे हैं, और उस लैब में आप जाएंगे तो पुराने खस्ता कंप्यूटर लगा कर रखा हुआ है और 15-20 जो है ना उस लैब में जो है ना कंप्यूटर पड़े हुए हैं। अब उससे जो है 500 बच्चे किस तरह इस्तेफादा हासिल करेंगे? सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ स्कूल लेवल से जो है ना इसका जो है ना इतना प्रोमो नहीं हो रहा। और दूसरे नंबर पर हमें हमेशा जो है ना कोशिश करनी है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्कूल के लेवल से किया जाए ताकि उसमें अवेयरनेस आएगी, और हमारी आईटी, सिर्फ हमारी आईटी टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा, इससे हमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं इतनी, हम दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हैं, हमारे पास बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं लेकिन हम उनको मोबाइल फ़ोन पे रात को मतलब टॉक शॉक करवाने के लिए हम बैठा कर रखा हुआ है बच्चों को, लेकिन हमने इस मसले पर जो है ना कभी भी जो है ना हमने वो नहीं किया। हमें जो है ना इस सिलसिले में गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहिए कि हायर एक बजट बनाती है गवर्नमेंट हर साल, इसमें जो है ना इस मद में स्टूडेंट के लिए एक ऐसा आसान पैकेज देना चाहिए जो जो है ना ये कंप्यूटर आसानी से ख़रीद भी सकें और उनको जो है ना हमें क्या कहते हैं जो हमारे जो वो जो हमारे आईटी सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह ज़्यादा हो पड़ेगा काम। असन साहब, आप क्या कहेंगे? आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, फिर मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ पर जाऊँगा खुशनूर साहब की तरफ, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है?
देखिए बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करनी है कि ये आईटी इंडस्ट्री जो है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट ज़रूर है, मगर इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ एवरी अदर पार्ट ऑफ आर लाइफ। आप इंजीनियर बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप कोई भी काम करें, आपको कंप्यूटर आना। एक वक्त था कि जब किसी को लिखना पढ़ना नहीं आ रहा था तो अनपढ़ समझा जा रहा था। आज वो वक्त है दुनिया में कि जिसको कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है वो अनपढ़ समझा जाता है। अच्छा, अब उसके लिए अप्रोच हर बंदे की होनी चाहिए, आसान अप्रोच कंप्यूटर की तरफ। जब आप चीज़ें महंगी करते जाएंगे, बात बिल्कुल सही है कि 42 इंच का कुछ बात की, 42 इंच की टीवी ले सकते हैं मगर कंप्यूटर नहीं ले सकते, कंप्यूटर भी ले सकते हैं, मगर आजकल की प्रायोरिटीज ये हुई हुई हैं कि इंसान की लाइफ इतनी मुश्किल हुई हुई है कि उसको पहले बाकी चीज़ें लेनी है, बाद में कंप्यूटर की तरफ आना है। अब अगर इसको हम सस्ता कर देंगे, एक वक्त था कि कंप्यूटर के ऊपर कोई ड्यूटीज नहीं थी, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा नहीं ड्यूटीज थी मगर हम लोग को सब्सिडी दी थी, वापस ले ली गई। आज मुश्किल से मुश्किल किया जा रहा है, और बात बिल्कुल शेर साहब की सही है कि हमें इसको ग्रास रूट लेवल से ही शुरू करना है कि स्कूल्स में ऐसी कोई स्कीम्स दें, ऐसी कोई चीज़ें दें जहाँ से मतलब आप एक हर आदमी की पहुँच इस तक आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत सब्सिडी देती है लेकिन अपने ऐवानों में बैठे हुए वज़ीरों को ज़रूर देती है, क्योंकि उनके टूर्स होते हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर जाना होता है, उनको नई नई गाड़ियों की ज़रूरत होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत होती है, तो उनको सब्सिडी की ज़्यादा ज़रूरत है, आवाम को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम वापस आएंगे कुछ मोटी मोटी चीज़ों की बात करेंगे कि इस बजट में बेसिकली हुआ क्या है। अभी तक हमने फर्स्ट हाफ में कोशिश ये की है कि आपको उन तमाम चीज़ों का पता चल जाए कि बेसिकली जब आप प्रोग्राम देखें तो आपको पता चले कि हमारे इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है। हमारे प्रोग्राम का मोटिव सिर्फ एक है आज के रोज़ कि हर बच्चे को, हर तालिबे इल्म के पास जो है एक कंप्यूटर ज़रूर होना चाहिए। अगर हमने तरक्की करनी है, अपने मुल्क के मेहमानों को जो है कुछ देना है, तो हमें ये इकदाम करने होंगे। हमें लेनी है यहाँ छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी बातों का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए पहला सौदा।